यहां मेरे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष मेंबर पार्लियामेंट माननीय राज बब्बर साहब और हम दोनों मिलकर स्वागत करते हैं आज उन लीडरों का जिन्होंने बहुत समय बीएसपी में अलग अलग पदों पर काम किया है, मंत्रिमंडल में काम किया है, विधानसभा में काम किया है, काउंसिल में काम किया है और संगठन में काम किया। आप उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, आपने देखा होगा कि पूरा लान और सड़क भरी हुई है, लेकिन सभी को इस हाल के अंदर लाना असंभव है। हम दोनों इन लीडरों का, वर्कर्स का स्वागत करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और ये बदलते हुए हालात और आने वाला समय कांग्रेस के लिए कैसा होगा इससे भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अब दूसरी पार्टियों के बजाय कांग्रेस में काम करना, कांग्रेस में आना, हमारे नए अध्यक्ष पार्टी के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास कि ये संख्या यही नहीं थमेगी। लीडरों के कांग्रेस ज्वाइन करने की संख्या आने वाले समय में बहुत बढ़ेगी और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी देश में एक मजबूत पार्टी बनके उभरेगी। जो लीडर्स यहां मौजूद हैं अंदर हॉल के अंदर, मैं बाहर वालों की नहीं बताता हूं, हाल के अंदर सब नहीं आ पाए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब है, ये कई बार एमएलसी रह चुके हैं, कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, एमएलए भी बाहर है, मिनिस्टर बन नहीं सकते, एमएलए या एमएलसी ना हूं, एमएलए भी रहे, एमएलसी भी रहे, अभी भी एमएलसी हैं आज की इस वक्त में भी, बांदा के रहने वाले हैं, ओपी सिंह साहब सुल्तानपुर से हैं, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मिनिस्टर रहे हैं, इसी तरह से रघुनाथ प्रसाद संखवार जी हैं पीछे, ये भी एक्स मिनिस्टर हैं कानपुर से, दलित समाज से संबंध रखते हैं, अनिल लवाना साहब, अनिल लवाना जी एक्स एमएलसी हैं गौतम बुद्ध नगर से, बैकवर्ड कम्युनिटी गुजर कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, लियाकत अली साहब एक्स मिनिस्टर हैं सहारनपुर से, कहां लियाकत अली साहब, अच्छे लाल निषाद साहब हैं एक्स मिनिस्टर हैं, ये भी बांदा से हैं, वरिंदर व्यास जी डमडम महाराज कहां, विजेंद्र व्यास डमडम महाराज
झांसी से हैं, एक्स एमएलए हैं, राव वारिस साहब एक्स एमएलए हैं शामली से, कहाँ हैं पीछे, हाजी शबन जी हैं एक्स एमएलए अमरोहा से, अच्छा फरद हसन और फिर यहाँ लिखा, अरशद खान साहब हैं एक्स एमएलए पीलीभीत से, मोहम्मद आरिफ हैं एक्स एमएलए फतेहपुर से, अली यूसुफ अली एक्स एमएलए हैं रामपुर से, बेगम हुसना सिद्दीकी साहिबा हैं, या आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की बेगम और एक्स एमएलसी हैं, लियाकत अली मैंने पहले पढ़ा, फिर ब्रह्म स्वरूप सागर हैं जोनल कोऑर्डिनेटर बरेली के, केपी मावी हैं ये भी एक्स प्रदेश प्रभारी हैं, कैप्टन दनेश सिंह जी चेयरमैन सुविता समाज वहां के हैं, फिर देशराज रिचारिया जी हैं प्रभारी आंध्र प्रदेश के हैं बीएसपी के, फिर जमीरुद्दीन सिद्दीकी हैं, फिर मुमताज अली साहब हैं, फिर जलालुद्दीन, मैं मजाक में अकबर लिख गया था और लिख भी अकबर ही गया, जलालुद्दीन जलालुद्दीन सिद्दीकी गाजियाबाद के मेयर के कैंडिडेट थे, नदीम चौहान एमएलए लड़ चुके हैं मेरठ के, नूर अहमद मंसूरी एडवोकेट झांसी के, ये तो यहां अंदर है, उसके अलावा एक्स एमएलए एक्स एमपीज और है 22 बाहर, और एक्स स्टेट ऑफिस बियर्स की लिस्ट है 52, ये भी बाहर है, सब 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 ये हम सब मीडिया को दे रहे हैं जो बाहर और हैं 22 और 52 उनके सब आपको नाम दे, हाँ और ये अंदर वाले 25 और 25 ये हैं बाहर जो हैं, ये हैं बीएसपी एक्स ऑफिस बियरस लिस्ट, वो है 52 एक्स ऑफिस बियरस, एक्स बीएसपी एमपी एमएलए कैंडिडेट्स दे आर 22, और ये जो अंदर मैंने पढ़े दे आर अबाउट 26-27, आप गिनती खुद करिए, सब से ऊपर हो गए सभी बीएसपी, तो एक दफा फिर हम आपका बहुत बहुत नसीमुद्दीन साहब और ओपी सिंह साहब और सभी जितने भी साथी यहाँ अंदर बाहर है उनकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत कर। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए तहलका न्यूज़ 7 को और प्रेस कीजिए इस घंटे को ताकि